friends, I'm Kanksha. Thanks for watching Trendy Butterfly. And if you're new here, please go and subscribe and hit the bell icon so you'll be notified whenever I'm on YouTube. लोग title पढ़ी चुके हो. आज होने वाला है a shoot day in my life. So shoot के लिए मुझे जाना है 3 बजे and मेरी morning start हो रही है 12 बजे क्योंकि रात को कुछ editing का बहुत ज़्यादा काम था. तो सोते ना 2 बज गए थे. And अभी ना मुझे शार लेना है जिसमें मुझे time लग सकता है 12 बजे है. 3 बजे जाना है तो ऑब्वियसली मैं 4 बजे पहुंचूंगी क्योंकि इतना लेट तो मैं कर ही सकती हूँ. इस मैं आ चुकी हूँ शायद लेकिन बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ. 2 बज चुके हैं, 3 बजे निकलना है, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है. सो स्किन केयर में तो मेरा टाइम जाने नहीं वाला क्योंकि 10 दिनों से मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर रखा. काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स नोटिस करी थी मैं अपनी स्किन पे, इसलिए बस एक जो ब्यूटी टिप है ना जिसे मैंने दिलू जान से अपना लिया है एंड बिना किसी स्किन केयर के भी 10 दिन से मेरी स्किन इतनी ज्यादा फ्लॉलेस लग रही है, उसका सीक्रेट है घर सोप्स के मैजिकल टॉवल्स. गाइस इट्स 2023, अभी भी बॉडी और फेस का टॉवल सेम रखा हुआ है ना तो बिल्कुल ही हटा दो, एक्ने हो जाएगा, ब्रेकआउट्स हो जाएंगे. मुझे भी पहले पता नहीं था, बस 10 दिनों से जब मैंने ये फ्रेश टॉवल्स यूज करना स्टार्ट किया ना घर सोप्स के, मेरी स्किन एकदम से हो गई फ्लॉलेस. एक ही टॉवल को यूज करने से बार बार उसमें आ जाता है एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इसीलिए मैं यूज करती हूँ घर सोप्स के मैजिक टॉवल्स, हर बार एक नया फ्रेश टॉवल्स जो कि है बिल्कुल अल्ट्रा सॉफ्ट, जो कि स्किन को क्लीन करने के साथ साथ जितना भी सन टैन वगैरह होता है ना वो भी सब हटा देता है एंड आपको कुछ भी हैवी स्किन केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड मैंने लिया है घर सोप्स का ये 24-डे चैलेंज वाला पैक. इसे मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम यूज कर रही हूँ. इसे आप अपना मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हो. मैं काफी टाइम तक ना टिश्यूज पे अटकी रही थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता था क्योंकि वो स्किन पे ऐसे चिपक जाते थे. थैंक्स टू दीज टॉवल्स मेरा काम बहुत ज्यादा इजी हो गया है. इसे यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, नॉर्मल टॉवल के तरह ही यूज करना है बट रीयूज बिल्कुल भी नहीं करना. फिर मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाना खाया और नोटिस किया कि वैक्सिंग तो कराई नहीं है, बट कोई बात नहीं चलो चलता है. सो ये ना मैंने यहाँ पे आउटफिट निकाल के रखा हुआ है शूट में जो पहनना है. ये ड्रेस मैंने काफी पहले जनपद से ली थी जो कि मैंने सिर्फ एक बार गोवा में पहनी थी, उसके बाद कभी पहनी भी नहीं है. एंड ये किमोनो पता नहीं कहाँ से लिया है बट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है. सो मुझे कुछ ऐसा लुक चाहिए जो हॉलीडे टाइप मैं कहीं पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही हूँ. आगे वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा. सो मैंने पहन लिया है आउटफिट एंड कोई भी मेकअप मैंने नहीं किया है. आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा बहुत स्वेटिंग भी हो रहा है बट मैं उसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि बाहर जाके भी होगा एंड मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए. मेरी स्किन वैसे भी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस है थैंक्स टू घर सोप्स के मैजिकल टॉवल्स. कोई भी ब्रेकआउट वगैरह नहीं हो रहा है मुझे अभी एंड 10 दिन में काफी ज्यादा अच्छा चेंज आया है. सो इसको ऐसे ही रखते हैं. बहुत ही हल्का सा लिप शेड लगा लिया है मैंने. आप लोग पिक्चर्स में भी बाद में देख लेना, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के पीछे कुछ और मेकअप कर लूंगी, बिल्कुल भी नहीं, सब ऐसे ही रहने वाला है, नो मेकअप लुक. सो बिहाइंड द सीन्स के लिए चलते हैं लोकेशन पर. गाइज पता है आज वाली लोकेशन पे ना मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे, मतलब मेरा सेंटर ना यहाँ पड़ा था और कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मैं ऐसे शूट्स कर रही होंगी. रवि को आप लोग जानते ही हो, मेरा फोटोग्राफर, एंड साथ में अमन आया है, मेरे भाई है मेरा. सो यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे. कुछ स्कैरी सी स्टोरी होने वाली है तो मेन स्टोरी लाइन यही था कि एक लड़की है, ट्रिप आई हुई है, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही है, एकदम से उसे गाने की आवाज़ आती है, दैन हो जाती है. और बाकी का स्टोरी देखने के लिए जल्दी से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो ताकि आप पूरा वीडियो चेकआउट कर सको. अभी मैंने वहाँ पे फाइनल वीडियो अपलोड नहीं किया बट हाँ जल्दी ही कर दूंगी. सो ये जो मेन एलिमेंट है ना वो ये गेट था और यहाँ काफ़ी सारा हंसी मजाक चल रहा था क्योंकि रवि बिल्कुल अपने फॉर्म में जा चुका था, डायरेक्टर वाले एक्शन कट वगैरह, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी. यहाँ इतने सारे लोग हमें देख रहे थे एंड जब आप वीडियो देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कोई है ही नहीं, पूरा वीराना सा. बट ये लोकेशन मुझे काफ़ी सही लगती है, यहाँ मैंने काफ़ी सारे शूट्स किए हुए हैं और यहाँ अमन ने ही BTS रिकॉर्ड किए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था. फाइनल वीडियो आप लोग देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, मैंने उसको एडिट वगैरह कर लिया. और यहाँ मैं रवि से कह रही थी यार मैंने नेल पेंट नहीं लगाया, आ तो नहीं रहा ना वीडियो में, बट उसने ऐसे लिया था कि बिल्कुल मेरे पैर आ ही नहीं रहे थे, वरना नेल पेंट आधी अधूरी लगी हुई अच्छी नहीं लगती. एंड हाँ बस हो गया था पैकअप 6 बजे. अल्लाह देख पा रही हो, मतलब शूट से आने के बाद ना यही होता है, बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. 3:30 बजे मैं निकल गई थी पूरी कोशिश करने के बाद 3 बजे के शूट में एंड वापस आई हूँ मैं 5:45 बजे और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है. अब मुझे बस जल्दी से फ्रेश होना है. सो मैं शायद लेके आती हूँ, फिर मिलते हैं. सो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था मैं इवनिंग में भी घर सोप्स के टॉवल्स यूज करती हूँ दोनों टाइम क्योंकि मुझे तो चेंज देखने को मिल रहा है अपनी स्किन पे, बहुत ही पॉजिटिव चेंज. एंड इसे मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. सी मेरी लिपस्टिक पूरी आ गई है, इसमें बाहर से लाइट पड़ रही है तो दिख नहीं रही होगी. एंड बहुत ही ज्यादा ना एकदम से फ्रेश लगने लगता है मेरा चेहरा इसे यूज करने के बाद. फिर मैंने कोको के साथ थोड़ी देर खेला और मम्मी ने ना दाल बाटी बनाई थी तो मैंने दाल को छोंक दिया था, काफी टेस्टी बनी थी और खा के मजा आ गया. एंड यार मेरा दिन कंप्लीट हो गया. फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल.